निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग एक बार फिर से उठी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस बारे में उद्योग जगत को खुद ही पहल करके कदम बढ़ाने की जरूरत है। सरकार से जो जो कंपनी पैसा लेती है उस कंपनी को अपने यहाँ एससी एसटी का रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने ये बयान देकर आरक्षण पर जारी बहस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उद्योग जगत ने फौरन जवाब दे दिया। आज जो है सबसे बड़ा इश्यू है टू सर्वाइव इन द कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन में, और आप ऐसे जो है वो अगर उसमें मैन पावर ट्रेन न मिले आपको, और तब आप जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन लगा देंगे तो निश्चित तौर से जो है जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं उसमें भी बाधा आ सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। दरअसल इस प्रस्ताव को लेकर उद्योग जगत की अपनी चिंताएं हैं, लेकिन रामविलास पासवान इस प्रस्ताव को पीछे लेने को तैयार नहीं हैं। पासवान जी, इंडस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में ये संभव नहीं है इंडस्ट्री के लिए कि वो आरक्षण की सुविधा दे। नहीं, हम आरक्षण हम उनको मत कहते हैं कि आप आरक्षण मत दीजिए, लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है चपरासी के लिए भी योग्य नहीं है, फोर्थ ग्रेड के लिए भी योग्य नहीं है? ऐसे वक्त पर जब आरक्षण के मुद्दे पर आरएसएस और सरकार के बीच अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया है, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाकर पासवान ने आरक्षण पर एक नई पहल छेड़ दी है। फिलहाल बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। अब देखना अहम होगा कि सरकार आरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों से आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, आरक्षण के मसले पर प्रधानमंत्री भी अपनी राय रख चुके हैं, ये क्या पासवान की अपनी पॉलिटिक्स का नतीजा है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि सरकार ने पुष्टि नहीं की है, सरकार ने बयान भी नहीं दिया पासवान के इस प्रस्ताव पर, लेकिन पासवान ने 24 घंटे पहले अहमदाबाद में जो बयान दिया था उसको आज दिल्ली में दोहराया। और मैं जब दोबारा उनके पास गया कि इंडस्ट्री ने आपका जो प्रस्ताव है, आपने जो सुझाव दिया है उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो उन्होंने फिर से कहा कि अगर इंडस्ट्री क्लास वन और क्लास टू लेवल के जॉब्स में आरक्षण की सुविधा नहीं दे सकती है पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो जो निचले वर्ग के जो जॉब्स हैं, क्लास थ्री क्लास फोर लेवल के जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसमें आरक्षण देने के बारे में इंडस्ट्री को सोचना चाहिए। लेकिन बार बार वो बहुत संभल कर बोले। दूसरी बार जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबसे अहम बात यह होगी कि इंडस्ट्री खुद सामने आए, क्योंकि मैं उनसे बार बार ये पूछ रहा था कि आपको लगता है कि आप सरकार में मंत्री भी हैं, भारत सरकार को अपने स्तर पर पहल करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मनमोहन सिंह सरकार में भी हमने देखा 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, कई बार कोशिश हुई, कमिटीज़ बनी, अधिकारियों ने बहुत लंबी बातचीत की प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन कोई रास्ता कॉन्क्रीट नहीं निकला। और इस बार क्या पासवान को लगता है कि इस प्रस्ताव पर कोई नया रास्ता निकल सकता? मैं बार बार उनसे पूछता रहा, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री को खुद इसमें पहल करना चाहिए। मामला सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है और विशेषकर उन कंपनियों को सोचना चाहिए जिनको सरकार से किसी न किसी तरह का वित्तीय मदद सरकार की तरफ से मिलती है, और क्योंकि वो बेनिफिशियरी हैं पब्लिक फंड्स के, इसलिए उनको आरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल पासवान का समर्थन अभी तक सरकार में किसी और मंत्री ने नहीं किया है। क्या पासवान का ये बयान सरकार को एम्बैरेस कर सकता है? देखिए, नई मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद स्पष्टीकरण देने के लिए सामने आना पड़ा था, जब उन्होंने अपने अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में कहा कि खरोंच भी नहीं आने देंगे आरक्षण पर, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। अब मुश्किल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के सामने वो सवाल है जो आरएसएस बार बार खड़ी कर रहा है कि आरक्षण की जो मौजूदा नीति है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो रामविलास पासवान हैं वो अब चाहते हैं कि बहस पर जो बहस आरक्षण पर जो बहस चल रही है उसका दायरा और बढ़ाया जाए, उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ अब बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए मुझे लगता है कि बहुत संभल कर उनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक तरफ दबाव आरएसएस की तरफ से है कि वो आरक्षण की जो मौजूदा नीति है उसकी समीक्षा करें, और दूसरी तरफ उनके कैबिनेट के अपने ही सहयोगी अब इस बात पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अब प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार को बातचीत की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ऐसे वक्त पर जब इंडस्ट्री बार बार रेजिस्ट कर रहा है इस आइडिया को, तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस अंतर्विरोध से प्रधानमंत्री अब कैसे निपटते हैं आने वाले दिनों। पासवान एक दलित नेता भी हैं,
उस बात का कितना पक्ष पासवान की इस पॉलिटिक्स में हो रहा है इस वक्त? मुझे लगता है काफ़ी अहम सवाल आपने पूछा है। पासवान इससे पहले भी ये सवाल उठाते रहे हैं और जब भी हमने देखा है कि आरक्षण पर चाहे वो किसी भी तरह की बहस हो, जब भी ये सवाल आरक्षण का उठता है, जब राजनीतिक बहस उठती है, तो पासवान इस पर निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। आज उनसे पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने हर बार हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने के बारे में विचार किया जाए, क्योंकि उनकी दलील ये है कि ऐसे वक्त पर जब अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और नए रोज़गार जो है वो सरकार के अंदर अब पैदा नहीं हो रहे हैं, सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है रोज़गार देना, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बेरोज़गारी देश में बढ़ रही है, विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों में, दलितों में विशेष तौर पर, तो उस बेरोज़गारी को एड्रेस करने के लिए, दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि नए रास्ते तलाशे जाएं। और पासवान को लगता है कि उन कंपनियों को जिनको सीधे तौर पर वित्तीय मदद मिलती रही है या मिलती है सरकार से, जिनको पब्लिक फंड दिया जाता है सरकार की तरफ से, उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगे बेरोज़गारी की जो समस्या है उसको एड्रेस करना मुश्किल होगा। जी मांशु शेखर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही है आरक्षण की एक दलित नेता रामविलास पासवान की तरफ से। रोहित मामला आप सब जानते हैं। हम आते हैं हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल छात्र यूनिवर्सिटी के वीसी अप्पा राव का विरोध कर रहे थे, जो रोहित वेमुला विवाद के बाद 2 महीने की छुट्टी से मंगलवार को ही वापस लौटे। रोहित की आत्महत्या के वक्त अप्पा राव ही वाइस चांसलर थे, वीसी थे, और छात्रों का आरोप है कि उन्होंने रोहित के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई की थी, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। छात्रों ने वीसी आवास में ही बने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की और करीब 6 घंटे तक वीसी को बंधक बनाए रखा। आखिर में पुलिस ने लाठी चार्ज कर छात्रों को वहां से हटाया। तो ये हैदराबाद की यूनिवर्सिटी की तस्वीर। दिल्ली में भैरव मार्ग पर सड़क धंसने से एक बड़ा गड्ढा हो गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है मेरे हिसाब से, जिसके चलते अब कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। इस गड्ढे की वजह से दिल्ली की सड़कों से लगे कई इलाकों में। दिल्ली के भैरव मार्ग पर सड़क धंसने से बने इस गड्ढे की वजह से राजधानी के एक बड़े हिस्से की रफ्तार थम गई। गड्ढे की वजह से रिंग रोड से मथुरा रोड के बीच का एक बड़ा रास्ता बंद करना पड़ा। सड़क बंद होने से रिंग रोड, ITO, NH24, आश्रम और सराय कालेखां के आसपास कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। अरे सर जी, आश्रम से जाम में चले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सामान्य करने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन ये दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में है। भैरव मार्ग जो है ये 2 बड़ी आर्टीरियल रोड्स को जोड़ने वाला रोड है और बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन क्योंकि अब पूरा का पूरा कैरेज वे उपलब्ध नहीं है तो ये ट्रैफिक में समस्या आ रही है। हमने इसके बारे में सभी को आगाह कर दिया है कि इस एरिया को अवॉइड करें। स्थानीय लोगों के मुताबिक भैरव मार्ग पर जल बोर्ड की बड़ी पाइपलाइन है। पाइपलाइन में पानी लीक होने से रविवार को सड़क धस गई। सोमवार को इसकी अस्थायी मरम्मत हुई, लेकिन सोमवार को ही दोबारा सड़क धस गई। वो आधे घंटे भी नहीं हुआ लेबर जाने के बाद वो धस गया। तो कल शाम से कोई आया यहाँ पर? अभी तक आए, फिर उसके बाद कोई महल्ला ने कुछ फैसला नहीं कर दिया। काम के बाद तो कोई नहीं कर रहा, इतना जाम लगा, दिल्ली में जाम लग रहा पूरा। लापरवाही की हद ये है कि दिल्ली सरकार इसकी मरम्मत का काम 24 घंटे बाद भी शुरू नहीं कर पाई। ये काम पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
वार फुटिंग पे काम चल रहा है, जल्द से जल्द जैसी लाइन तैयार होगी उसको ठीक कर दिया जाएगा। दिल्ली कुछ उम्मीद कब तक हो जाएगा, क्योंकि वो मेन लाइन पर है और वहाँ पे भयंकर जाम लगा हुआ है। मैंने एसेस कराया है, पहले दिल्ली जल बोर्ड वाले कह रहे थे 15 दिन लगेंगे, अब वो एक दिन में हमें करके एक दिन और 2 दिन के अंदर सारा काम। लेकिन जब तक यहाँ मरम्मत नहीं होती, दिल्ली वालों को ऐसे भयंकर जाम से जूझना होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।